जाने जाओगे राम जी के चरित्र के कोई दो प्रसंग जो उन्हें मनुष्य से सीधे भगवान की श्रेणी में लाते हैं, जो आपके मन को एकदम हृदय को स्पर्श कर जाते हैं, वो अगर हमसे साझा करेंगे, देखिए ये दो प्रसंग ऐसे हैं जो उन्हें असाधारण मनुष्य नहीं सीधे भगवान की श्रेणी में स्थापित करते हैं। मुझे श्री राम जी के जीवन का एक प्रसंग बड़ा प्रेरक लगता है जी, कि जब उनको ये सूचना दी गई कि आपको राजा बनाया जाएगा, आप तैयारी करिए, प्रातःकाल आपका राजतिलक होगा, सब प्रसन्न थे। सीता जी तो बहुत प्रसन्न थी, मैं राजरानी बन जाऊंगी, कौशल्या जी प्रसन्न थी। फिर घटना कभी है कि मंथरा और केकई का कुसंग हो गया, और जब श्री राम को सूचना दी गई आपको केकई महल में बुलाया है, राम गए, और जब उनको केकई ने बताया कि आपके पिताजी इसलिए दुखी दिख रहे हैं कि मैंने इनसे दो पुराने वरदान मांग लिए, भारत को राज और तुम्हें वनवास। अब ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में राम बड़े निर्लिप्त भाव से अपनी मां केकई का ये आदेश सुनते हैं। वो तुरंत कहते हैं भरत राजा बने तो इससे बड़ी प्रसन्नता की क्या बात होगी, और माता पिता की आज्ञा मैं जाऊंगा वन। और कौशल्या मां से अनुमति लेते समय एक पंक्ति बोली राम ने, कौशल्या मां से यह नहीं कहा कि मां मैं वन जा रहा हूं या पिताजी ने मुझे वन भेजा है, मुझे वनवास किया, कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। ये एक पंक्ति राम ही बोल सकते हैं, और यही पंक्ति एक मनुष्य को ऊपर उठाती है। आपके साथ कल जो होने वाला है अचानक वो बदल जाए, तब पता लगता है कि आप कितने गहरे हैं और कितने ऊंचे हैं। फिर राम मां को समझाते हैं, भाई को समझाते हैं, पत्नी को समझाते हैं, और फिर अपने साथ उन दोनों को लेकर, तब दशरथ ने केकई से कहा था ये राम है, एक बार शिकायत नहीं करेगा और चला जाएगा। ये जो कैरेक्टर श्री राम का है यही उनको भगवान बनाता है। भगवान का मतलब यह मत करिए कि मंदिर में रखी प्रतिमा, जीवन के सारे श्रेष्ठ गुण एक साथ इकट्ठे हो जाएं, आप जरा विचार करिए, जरा दुखी नहीं हुए, जरा आवेश में नहीं आए, और तश्तरी में रख के अपने छोटे भाई को चक्रवर्ती का राज्य दे, जनाब गहरी सोच और बड़ा दिल किसी भी इंसान को भगवान बना देगा।